शिवाय नमस्तु। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो। स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, किसी भी नवमी को, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर पांच परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध महाराज। दसवीं तिथि को, नौवीं को तो ये करोगे, दसवीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहन कर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फार्म भर भर कर दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ एक बार उससे कह लो। हमें कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, दो रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना। यदि व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, जिस कार्य को कर रहे हो दो दिन चलता है, पांच दिन बैठना पड़ता है, फिर नहीं चलता, फिर तो कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा है, नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं स्त्रियों की, चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर, एक वो गुलर का फूल आता, घंटी वाला फूल जिसमें डंडी बांधने की देवी जी को चढ़ता है, गुलर का फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर, अगर पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब तब गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है हमारा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त हो चुके हैं, फार्म भर भर कर दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ एक बार उससे कह लो। हमें कहा कि जब भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से भगवान नारायण ने कहा, आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं, नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा, उसके मनवांछित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर, चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए, कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए, और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए, और जब
शिवजी पे जल चढ़ जाए, वो पांच जो पत्ते आपने बेल उसके डाले हैं उस पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके तारे बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। बहुत तकलीफ होती है तो वो माता पशुपति का स्मरण कर उस फूल को देवी के चरण में छुआ कर उसको खा लो चला जाए। घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर स्मरण कर उस फूल को देवी के चरण में छुआ कर उसको खा लो चला जाए। घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2।